हेलो फ्रेंड, यह सोशल साइंस का एमसीक्यू है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्वेश्चन नंबर छठवां, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। क्वेश्चन नंबर सातवां, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल किस संधि देश के साथ हुई? यूनान के साथ। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि नेपाल देश के साथ हुई, यूनान देश के साथ हुई। क्वेश्चन नंबर सातवां का भी। क्वेश्चन नंबर आठवां, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश की। फ्रांस में बुर्बो वंश शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य में ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, अंतरिक्ष भी। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, 15 का आंसर इज बी। जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आटो ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? यूनान का। ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? कन्वेंशन ने। फ्रांस की कन्वेंशन संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? कुस्तुनतुनिया संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, नौ गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता जियो बर्टी थे। नौ गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता जियो बर्टी थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। 23 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चीफ सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? 1821 में। 1821 में चीफ सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेशा में हुई थी। हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेशा में हुई। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 27, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? मेटरनिख ने। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पीडमाउंट।
चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। 28 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 30, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? मैग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 31, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 32, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 में। 1862 में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बुर्गो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। बुर्गो राजवंश का शासन फ्रांस में था। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? फ्रांस का। मासिले फ्रांस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है। थैंक यू सो मच।